न्यूयॉर्क में स्मॉल बिजनेस में माली बहरान के शिकार और नया कारोबार शुरू करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर यह है कि शहरी हुकूमत ने छोटे ताजिरों को माली मुआवनत और आसान कर्ज की फराहमी की पेशकश कर दी है। न्यूयॉर्क में स्मॉल बिजनेस में माली बहरान के शिकार और नया कारोबार शुरू करने के ख्वाहिशमंद अफराद को अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। शहरी हुकूमत के शोबा स्मॉल बिजनेस सर्विसेज ने छोटे ताजिरों को मुस्तहकम बनाने और नया बिजनेस शुरू करने के ख्वाहिशमंद अफराद को ये पेशकश की है कि अगर वो चाहें तो न्यूयॉर्क सिटी उन्हें माली बहरान पर काबू पाने के लिए ग्रांट और नए कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्ज फराहम करने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में शहरी हुकूमत के शोबा स्मॉल बिजनेस सर्विसेज के माहिरीन और नुमाइंदों ने ब्रुकलिन के इलाके कोनी आइलैंड में एक आगही कैंप लगाया और मक्की मस्जिद में जुम्मे के खुतबे से कबल कम्युनिटी को मालूमात भी फराहम की। बिजनेस आउटरीच स्पेशलिस्ट मेहदी हसन ने आगाह किया कि शहरी हुकूमत ग्रांट और कर्ज की फराहमी के साथ साथ कारोबार के लिए लाइसेंस और कानूनी मुआवनत भी फराहम करेगी। I am here today to inform you of all the moving services the city provides to help small businesses. We provide financial assistance, pro bono legal services, free business courses, and selling to the government. We assist in processing any business license and permits in half the time, and we also help small businesses avoid violations. इस एक रोज़ा आगही मुहिम में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ऑफिस से मुस्लिम लाइजॉन ऑफिसर अतिया शहनाज का तआवुन भी हासिल रहा। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने स्मॉल बिजनेस सर्विसेज के कैंप में खासी दिलचस्पी के साथ मालूमात हासिल की। शहरी हुकूमत का कहना है कि स्मॉल बिजनेस मालकान और नए छोटे ताजिर इस बारे में उनकी वेबसाइट और दिए गए नंबर पर राबता करके मजीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं।